हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया। तो लेक्चर नंबर 26 से ऊपर आ जाओ और हेडिंग डालो, व्हेन मैनेजर इज ट्रीटेड एज अ पार्टनर। कई बार क्या होता है, जो पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजर होता है या कोई इंप्लॉई होता है, उसको क्या बना लिया जाता है फॉर्म में? पार्टनर बना लिया जाता है। ठीक है जी, तो इसके बेस पर हम दो क्वेश्चन करेंगे और ये इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो आप कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, इसका ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है जी, तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 को मेरे साथ बच्चे रीड करेंगे। क्या बोलता है जी? कहता है अजू एंड बाजू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। In appreciation of the service of their employees, Saju, who was in receipt of salary of ₹2400 per annum and a commission of 5% on the net profit after charging such salary and commission, they took him into partnership as from 1/4/2018 and giving him 1/8 share of the profit. बेटा देखो क्या बोलते हैं। कहता है अजू एंड बजू पार्टनरशिप में हैं, ये बिजनेस कर रहे थे, पार्टनर्स हैं। कौन सी रेशो में काम करते हैं? 4/5 शेयर अजू का है एंड 1/5 शेयर बजू का है, तो इसका मतलब इनकी रेशो है 4/5। ओके, हाँ जी। इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विस ऑफ देयर इंप्लॉई, इनका एक इंप्लॉई था जिसका नाम था सजू, तो उसको रिवार्ड दे रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी सर्विस देता था इनका इंप्लॉई इनको। ठीक है, जो कि पहले ₹2400 पर एनम के हिसाब से सैलरी लेता था और 5% की कमीशन भी लेता था नेट प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ठीक है जी, तो पहले उसको सैलरी मिलती थी, कमीशन मिलती थी। आगे लिख रखा है दे टूक हिम इन टू पार्टनरशिप एज फ्रॉम 1/4/2018। उसको पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं, मतलब पार्टनर बना रहे हैं, और उसको कितना शेयर दे रहे हैं? 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में उसको 1/8 शेयर मिलेगा। आगे देखो क्या लिखा है, द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट, अब जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर क्या लिख रखा है, दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेमुनरेशन टू विच सजू बिकम्स इंटाइटल्ड विल बी पेड आउट ऑफ अजू शेयर ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए बेटा, पहले जो सजू था, जो इनका इंप्लॉई था, उसको सैलरी और कमीशन के मिला के मान लो ₹40,000 मिलते थे पर ईयर। लेकिन अगर वो एज अ पार्टनर बिजनेस में काम करता है तो उसको मान लीजिए उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा बन रहा है 1/8 शेयर के हिसाब से, मान लेते हैं वो 50,000 बन रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो पहले उसको 40 मिलते थे, अब कितने देने पड़ेंगे? 50। तो कितने पैसे आप फालतू देंगे? ₹10,000। इसकी बात उसने की है कि इसकी भरपाई पता किसके शेयर के प्रॉफिट से की जाएगी? अजू के। मतलब अजू ने गारंटी दी है कि जो बाकी का आपको पैसा देना पड़ेगा वो मैं दूंगा। ठीक है जी, The profits for the year ended 31st March 2019 amounting to ₹57,000 का business ने profit कमाया। कह रहा है divide this between the partners। कहता है जी इस profit को partners में distribute करके बताओ। तो बताओ जी profit को बांटने के लिए आप कौन सा account बनाते हैं partners में? Profit and loss appropriation account। तो आपको बनाना पड़ेगा बच्चे profit and loss appropriation account। तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। फिर question को समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, लो जी सर हमने बना दिया भाई। चलो जी आगे वर्किंग नोट पर चलो। यहां पर हम वर्किंग नोट बना लेंगे। यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ये इंप्लॉई है बेटा जिसका नाम क्या है? सजू। अब इसको पार्टनरशिप फर्म में, ये पहले इंप्लॉई था, अब इसको पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बनाया जा रहा है? पार्टनर बनाया जा रहा है। जब सजू इंप्लॉई था तो बताओ इसको सैलरी कितनी मिलती थी? इसको सैलरी मिलती थी 2400 पर एनम, एक साल की सैलरी इसकी ₹2400 थी।
ठीक हो रही है बात? हाँ जी सर। इसको बेटा कमीशन भी मिलती थी, कमीशन किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो मुझे प्रॉफिट बताओ क्वेश्चन में कितने का था? आपको दिख रहा है कितने का प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है? 57,000। लेकिन ये बिफोर सैलरी एंड कमीशन है बेटा, ठीक है? तो लो जी 57,000 में से सैलरी माइनस करो, बताओ सैलरी कितने की है? 2400। तो मुझे बताओ ये कितना आता है? ये आएगा आपके पास 54,600। ठीक है जी, अभी मैंने प्रॉफिट में से सैलरी तो माइनस कर दी, लेकिन कमीशन माइनस नहीं की, क्योंकि मुझे कमीशन पता ही नहीं है। तो जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है तो आपको पता है नीचे क्या लेना होता है, 100 प्लस रेट। बताओ जी कितने परसेंट कमीशन थे इसकी? 5%। तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 105। अब मुझे ये सॉल्व करके बताओ कितना आता है? ये 2400 और ये आएगा 2600। तो इसका मतलब इस आदमी को पहले मिलते थे 5000, ठीक है जी, एज अ एम्प्लॉई इसको 5000 रुपए मिलते थे। अब सुनो, अगर ये आदमी बिजनेस में पार्टनर बन जाता है तब इसको ना हम सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे, इसको क्या देंगे? प्रॉफिट में हिस्सा। और प्रॉफिट में हिस्सा बता रखा था इसका शेयर होगा 1/8। तो मुझे बताओ सजू शेयर इन प्रॉफिट, सजू शेयर इन प्रॉफिट। तो बेटा 57,000 हमारे पास प्रॉफिट था जिसमें से ना सैलरी देनी पड़ेगी ना कमीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो पार्टनर बन गए। अब उसको क्या देना पड़ेगा? इस प्रॉफिट के ऊपर हिस्सा, कितना? 1/8 शेयर। अब मुझे ये सॉल्व करके बताएंगे बच्चे कितना आता है? ये आएगा 7125। आप देख रहे हैं एज अ पार्टनर उसका पैसा कितना बनता है? 7125। लेकिन एज अ एम्प्लॉई वो कितने पैसे लेता था? 5000। तो मुझे बताओ कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसको? एक्स्ट्रा कितना अमाउंट देना पड़ रहा है? सर हमें देना पड़ रहा है 2125। बताओ जी इसकी भरपाई कौन करेगा? क्वेश्चन में लिख रखा था इसकी भरपाई करेगा अजू, ठीक है? क्लियर हो रही है बात इतनी? हाँ जी। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन इसका, ये थी अंडरस्टैंडिंग। यहां पर हमने क्वेश्चन को समझा था, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। अब मेरे साथ मेन वर्किंग नोट पर आओ और यहां पर लिखो प्रॉफिट बिफोर सजू सैलरी एंड कमीशन। बताओ जी कितने का प्रॉफिट था पहले? 57,000। एज अ मैनेजर हम उसको क्या देते थे इसमें से? सैलरी देते थे 2400 की। और कमीशन कितनी देते थे? कमीशन मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी ना यहां पर, हाँ जी सर, 2600 की। तो मुझे बताओ 57,000 में से हम इसको कितने पैसे बांट देते थे? 5000 रुपए दे देते थे। तो बिजनेस के पास कितना पैसा बचता था? 52,000। और ये पैसा पता है किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था? बताओ जी ये पैसा सर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था। और उनके नाम क्या हैं? अजू एंड बाजू। कौन सी रेशो में काम करते थे बेटा वो? 4:1 में। तो इसका शेयर बनता था 52,000 × 4/5 और इसका शेयर बनता था 52,000 × 1/5। बताओ कितना कितना आता है? बताओ जी कितना कितना आता है? 41,600 ये इसको मिलता था। और इसको कितना मिलता था? इसको मिलता था 10,400 रुपये, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? हाँ जी। लेकिन अब वो मैनेजर बन जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको प्रॉफिट के ऊपर 1/8 शेयर मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा? 7125। तो इसका मतलब ये जो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं 2125, ये किसके खाते में से कटेंगे? अजू के खाते में से। तो अजू के खाते में से आप काट दो 2125, ठीक है? तो इसको माइनस करके बताओ बच्चे कितना आता है? 39475, ठीक है? तो ये था जी इसकी वर्किंग, ये थी। अब मैं आता हूं मेन सॉल्यूशन के ऊपर। तो मुझे बताओ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 57,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। हाँ जी सर, आजू बाजू एंड सजू, इसको बताओ कितना मिलता था पहले, 41600 एक बार लिख दो यहाँ पर, 41600, इसको कितना मिलता था, 10400, ठीक है। सजू को कितना मिलता था, 5000, लेकिन अब कितना देना पड़ रहा है, 7125। हाँ जी, कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 2125, तो इसके अकाउंट में से आप कट कर दो, ठीक है जी। तो इसका मतलब अब इसको मिलेंगे 39475, टोटल मिला के 57000 ही आएगा। तो हमने ये प्रॉफिट को क्या किया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोबारा से बताऊं क्या किया हमने, हमने देखा बेटा सजू को एज अ एम्प्लॉय कितने पैसे मिलते थे, तो उसके पैसे बनते थे 5000, लेकिन अगर उसको पार्टनर बना दिया जाए तो पूरे का पूरा जो 57000 है इसमें से ना तो सैलरी देनी पड़ेगी ना कमीशन देनी पड़ेगी, इसके ऊपर 1/8 शेयर बनता है 7125, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं 2125। कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, 2125। इसकी भरपाई कौन करेगा, अजू भाई साहब करेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि पहले पता क्या होता था, 57000 में से सैलरी मिल जाती थी एम्प्लॉय को, मतलब सजू को कमीशन मिल जाती थी, तो उसके बाद 52000 बचता था जो कि अजू एंड बजू आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे 4:1 में, मतलब 41600 इसको मिलता था, 10400 बजू को मिलता था। लेकिन अब अजू के खाते में से 2125 माइनस होंगे, क्यों, क्योंकि सजू को 2125 ज्यादा देने पड़ रहे हैं, समझ आ रही है बात। हाँ जी सर, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम एक और करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम ही है। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 78। तो लो जी, अब मैं कर रहा हूं, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर था 77। अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78। सुनो जी क्या कहता है इसमें, पढ़ेंगे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ। कहते हैं पी क्यू एंड आर इन पार्टनरशिप, तीन पार्टनर्स हैं जी, पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये दोनों पार्टनर्स कौन सी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4:3 में। आगे कहते हैं एंड आर रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम, जो आर पार्टनर है उसको 20,000 रुपए सैलरी मिलती है, प्लस इसके साथ साथ कमीशन भी मिलती है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है जी, प्रॉफिट्स के ऊपर 10%, लेकिन प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, मतलब प्रॉफिट में से पहले उसकी सैलरी का अमाउंट माइनस करते हैं, फिर कमीशन का अमाउंट माइनस करते हैं, और उसके ऊपर उसको 10% हम कमीशन देते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात। एक तो आर को ये मिलता है, आगे क्या लिख रखा है, और या फिर, मतलब एक पॉइंट तो ये है, या तो आर को सैलरी प्लस कमीशन मिलेगी, या फिर 1/6 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म व्हिच एवर इज मोर, या फिर प्रॉफिट का 1/6, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो मिलेगा जी उसको, ठीक है। एंड एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर, लेटर कौन सा है, प्रॉफिट के ऊपर 1/6, एंड फॉर्मर कौन सा है, सैलरी प्लस कमीशन। कहते हैं जी अगर कुछ पैसा ज्यादा देने की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बोर्न बाय पी एंड क्यू, तो इसकी भरपाई कौन करेगा, पी एंड क्यू दोनों करेंगे, कौन सी रेशो में करेंगे, 3:2 में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 केम टू 3,85,000। कहते जी बिजनेस का प्रॉफिट 3,85,000 है, लेकिन लास्ट में बेटा क्या लिख रखा है, आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी, मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है 3,85,000, इसमें से ऑलरेडी सैलरी माइनस हो रखी है, सैलरी माइनस होने के बाद का प्रॉफिट है, तो मुझे पहले इसको बिफोर सैलरी करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो लो जी करो मेरे साथ साथ, बनाओ फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, यहां पर लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट बिफोर
सैलरी। मुझे ये बताओ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना था? 385,000, ये आफ्टर सैलरी है। अगर बिफोर सैलरी करना है तो इसमें सैलरी को प्लस कर दो, और सैलरी हमारे पास है 20,000 रुपये पर एनम, तो 20,000 को ऐड करो, कितना आता है यहाँ पर 405,000। अब मेरे साथ साथ वर्किंग नोट पर आ जाओ, और इसके साथ मैं आपको समझा भी देता हूं कि क्वेश्चन में बोल क्या रखा था। क्वेश्चन में बेटा ये बोल रखा है, ये भाई साहब है ना जो पार्टनर आर, इनको बोल रखा है या तो आपको प्रॉफिट का 1/, कितना हिस्सा बोला था, 1/6 हिस्सा मिलेगा, या तो ये ले लो, और सैलरी प्लस कमीशन, इनमें से विच एवर इज मोर, मतलब जो भी ज्यादा होगा वो मिल जाएगा जी, किसको, आर को। अगर ये वाला अमाउंट इस अमाउंट से ज्यादा बनता है, जितना भी ज्यादा पैसा आर को देना पड़ेगा उसकी भरपाई कौन करेगा? दोनों करेंगे, पी भी करेगा एंड क्यू भी करेगा। तो मुझे बताओ अगर मैं एज अ सैलरी और एज अ कमीशन उसको पैसा दूं तो कितना पैसा बनता है? एक तो इस भाई साहब को सैलरी मिल जाएगी, सही कह रहे हो सर, 20,000 रुपये सैलरी के मिल जाएंगे, और इसको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। कैसे कैसे मिलेगी कमीशन? बेटा 405,000 रुपये का प्रॉफिट है, जिसमें से अगर आप सैलरी को माइनस कर दें, सैलरी कितने की है सीधा सीधा बताओ ना मुझे, अमाउंट ही बता दो, 20,000 रुपये की सैलरी है, तो 385,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया आफ्टर सैलरी। इसमें से कमीशन भी माइनस करनी है, और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर कमीशन अलाउ करनी है, और कमीशन का अमाउंट कितना है, 10%। तो बेटा हमको कमीशन तो नहीं पता, तो ऐसे केस में आफ्टर चार्जिंग कमीशन के केस में आप क्या करते हैं, 100+ रेट लेते हैं बेस में, तो यहां पर 10 और यहां पर 110। अब मुझे ये सोल्व करके बताओ बच्चों कितना आता है, ये आएगा सर 35,000। तो इसका मतलब बच्चे आप देख रहे हैं कि टोटल उसको कितना पैसा मिल रहा है, 55,000, अगर हम सैलरी या कमीशन देते हैं उसको, सैलरी और कमीशन दोनों देते हैं। अगर हम उसको सैलरी और कमीशन ना दें तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट 405,000 का है, जिसमें से ना सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे, बस इसके ऊपर उसको सीधा 1/6 देंगे, 1/6 शेयर। तो मुझे बताओ 1/6 शेयर कितना बनता है, 67,500। और क्वेश्चन में बोल रखा था कि जो भी ज्यादा होगा वो देना पड़ेगा, तो अब बताओ कौन सा अमाउंट दोगे उसको, 67,500। अगर ये वाला अमाउंट कम बनता तब तो कोई समस्या ही नहीं थी, तब तो कोई समस्या ही नहीं थी, तब पता क्या करता मैं, 405,000 में से उसको 55,000 रुपये सैलरी और कमीशन के देता, जो प्रॉफिट बचता वो किस में बांट देता, पी एंड क्यू में। लेकिन अब दिक्कत क्या है, ये वाला अमाउंट देना पड़ेगा मुझे उसको, तो बताओ जी कितना अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सर, 12,500 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं, और इसकी भरपाई करेंगे पी एंड क्यू, कौन सी रेशो में, बेटा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है, इन लोगों ने बोला है कि हम इसकी भरपाई 3:2 में करेंगे, तो इन दोनों के अकाउंट में से पैसा कटेगा। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा, अब मैं इसका वर्किंग नोट बना देता हूं साफ साफ। तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन कितना था, सोचो जी 405,000। अगर मैं इसमें से आर को सैलरी देता 20,000 रुपये की, तो मेरे पास बचते 385,000। अगर मैं इसमें से कमीशन भी देता आर को, तो कमीशन बन रही है 35,000 रुपये की, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी किए, तो इसका मतलब बचता हमारे पास 350,000 का प्रॉफिट। और ये 350,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता किस में, पी एंड क्यू में। सर कौन सी रेशो में करते, बेटा जिस रेशो में वो काम करते थे, क्वेश्चन में दे रखा है कि पी एंड क्यू कौन सी रेशो में काम करते थे, 4:3 में। तो लो जी मैं इसको 4:3 में बांटूंगा, तो मुझे बताओ फटाफट 3,50,000 इंटू 4/7 कितना होता है, एंड 3,50,000 इंटू 3/7 कितना होता है, बताओ जी जल्दी जल्दी। सर बताएं, हाँ जी बताओ, ये होता है बेटा 2,00,000, और यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा बेटा 1,50,000। ठीक है जी,
अभी ये सिचुएशन कब की है? अगर हम आर को सैलरी और कमीशन देते तो बेटा हमारे पास 350,000 रुपए बाकी के बचते और वो हम पी एंड क्यू में बांटते तो 2 लाख इसको मिलते, 1.5 लाख इसको मिलते। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको सैलरी भी नहीं देंगे ना कमीशन देंगे, अब हम इसको ना सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे, अब हम इसको क्या देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा 67,500। ठीक है, जो कि कितना ज्यादा अमाउंट बन रहा है, 12,500 से ज्यादा बन रहा है, जिसको कौन सी रेशो में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 3:2 में, और इसकी भरपाई कौन करेगा, पी एंड क्यू। तो मुझे बताओ 12,500 को 12,500 इंटू 3/5, 12,500 इंटू 2/5 कितना कितना आता है ये? सर ये आएगा 7,500 और ये आएगा 5,000। ठीक है बेटा, तो 5,000 की भरपाई अब इसको करनी पड़ेगी, जितने पैसे उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, और 7,500 की भरपाई इस आदमी को करनी पड़ेगी। तो 192,500 एंड यहां पर कितना आएगा, 1,45,000। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? हाँ जी, तो सुनो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी क्यू भाई साहब, आर भाई साहब। ठीक है जी, सुनो, पी के खाते में कितने पैसे आ रहे थे बच्चे, फटाफट बताओ। सर 2 लाख। क्यू के खाते में 1.5 लाख। और अगर इसको हम अब 67,500 रुपए देंगे तो हमें कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 12,500, जिसकी भरपाई पी एंड क्यू करेंगे। तो इसके खाते में से 7,500 आपने काटे, इसके खाते में से 5,000 रुपए आपने काटे, तो यहां पर आएगा 192,500, 145,000 और यहां पर तो 67,500। ठीक है, तो बेटा आपने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, किसी दूसरे तरीके से करने की कोशिश मत करना, ज्यादा दिमाग मत चलाना, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों 77 एंड 78 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, जहां पर हम क्या करते हैं, इस टॉपिक का नाम क्या था, व्हेन मैनेजर इज ट्रीटेड एज अ पार्टनर, और ये लास्ट टॉपिक है जी। ठीक है जी, तो आज आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है, जो भी हल्के फुल्के पॉइंट्स रहते हैं इस चैप्टर में जो मैंने अभी तक किसी भी लेक्चर में डिस्कस नहीं किए, उनको मैं एक लेक्चर और लूंगा इसके ऊपर, और उसमें वो सारे के सारे लेक्चर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।